दिवाली से पहले यूपी में बिजली दरों में बदलाव की संभावना है। दरअसल राज्य विद्युत नियामक आयोग दिवाली के पहले नए बिजली दरों का ऐलान कर सकता है। आयोग ने 2020-21 के लिए टैरिफ प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं अभी बिजली के दरों में इजाफे को लेकर संशय बरकरार है। झटका इस लिहाज से कि बिजली की दरें बढ़ती हैं, राहत इस लिहाज से कि बिजली दरें घटती हैं। संशय लगातार बरकरार है, आखिरकार क्या होगा? संभावना पूरी है कि बिजली की दरों में बदलाव होगा, नई बिजली दरें जारी की जाएंगी। इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से विशाल रघुवंशी। विशाल, बिजली झटका देगी या फिर राहत देगी, क्या पुख्ता खबर सामने आ रही है जिस तरह से टैरिफ प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है? देखिए, टैरिफ प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और माना जा रहा है कि दिवाली से पहले नई जो बिजली की दरें हैं उनका ऐलान राज्य विद्युत नियामक आयोग जो है वो कर देगा। इसकी तैयारी कर ली गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर जो विद्युत नियामक आयोग में उपभोक्ता फोरम की तरफ से जो बाकायदा एक जो है एक याचिका डाली गई है, उसमें ये कहा गया है कि पिछली बार जो 2019 से 2020 तक का जो बिजली टैरिफ था उसमें कंपनियों को 13,327 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इसके आधार पर अब आम जनता को राहत दी जाए और नई बिजली दरों में कमी की जाए। ऐसे में फिलहाल जो पिछली बैठक हुई थी, जो उसमें वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो बिजली कंपनियां थी उन्होंने नियामक आयोग को जो है ये कहा था कि वो लोग बिजली की दरों में जो है बढ़ोतरी करना चाहते हैं। इसके लिए प्रस्ताव जो है टैरिफ का नया वो भी भेजा गया था। बिजली विभाग की तरफ से यूपीपीसीएल जो है जो संबंधित विभाग है उसने बकायदा इस प्रस्ताव को लेकर जो है एक पूरा जो विस्तृत रिपोर्ट है वो भी नियामक आयोग में सौंपी थी। ऐसे में अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नई बिजली की जो दरें हैं वो दिवाली से पहले बढ़ना तय मानी जा रही हैं। हालांकि ये अभी फिलहाल इस विषय पर चर्चा हो रही है कि जो मुनाफा पिछली बार हुआ था उसको किस रूप में जो है उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात के तौर पर दें। लेकिन अगर बिजली अब के दरें बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि अतिरिक्त बोझ भी एक आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ फिलहाल शायद सरकार नहीं भी डालना चाहेगी और इसीलिए हो सकता है कि इस पर जो है नई जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार की जाए। लेकिन अभी जो जो मैसेज आया है इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक टैरिफ प्लान बनाया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि नई बिजली जो दरें होंगी वो संभवतः बढ़ी हुई होंगी क्योंकि बिजली कंपनियों ने जो यूपीपीसीएल को जो पहले अपना प्रस्ताव भेजा था, जो नियामक आयोग में गया था, जो पिछली बैठक में चर्चा भी हुई थी, उसमें बढ़ोतरी की बात कही गई थी। हालांकि अभी उस पर कोई एक फाइनल मोहर जो है वो नियामक आयोग की तरफ से नहीं लगी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि नियामक आयोग इसको लेकर इसी हफ्ते जो है वो एक बड़ा फैसला कर सकता है और ये कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले पहले उत्तर प्रदेश में नई जो बिजली की दरें होंगी चाहे वो बढ़ी हों या जो सेम रेट है वही रहो, लेकिन उसको जो है ऐलान कर देगा।